जब और कुछ समझ ना आए और खाने का दिल हो गर्मा गर्म पराठा, तो ये अंडे का यूनिक तरीके का पराठा बनाना जो है ये आप मुझसे सीखिए। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उसको जान लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग दिख रहे हैं मधुज फूड फन हेल्थ, जहां मैं आपको किचन में काम करने के देती हूँ स्मार्ट तरीके। और आज की स्मार्ट रेसिपी है अंडे का पराठा। जी हाँ, अंडे का पराठा जितना आसान दिखने में लगता है उतना बनाने में होता भी है, लेकिन प्रॉपर ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले मैंने छोटा छोटा प्याज, थोड़ा सा हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है, और उसमें दो अंडे, जी हाँ मैं दो अंडे ले रही हूँ, जिसमें से आप चार अंडे के पराठे बहुत आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। चीज़ों में जितने मसाले कम कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी चीज़ें अच्छी बनेंगी। इसको देंगे एग बीटर से एक बहुत अच्छा बीट, और ये जो एग बीटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये प्रोफेशनल जो लोग अंडे का पराठा स्ट्रीट पे बनाते हैं ना, वो भी यही एग बीटर यूज़ करते हैं। अगर आप भी इसका क्विक लिंक चाहते हैं तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, नीचे लिंक दे रही हूँ। चलिए बनाते हैं पराठा। मैंने एक आटे की लोई ले ली है, जो नॉर्मल हम आटा रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें लगाया थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, इसको कर दिया रोल, नॉर्मल रोल, कोई स्पेशल तरीका नहीं है, बस रोल करके इसको हमें पतला पतला बेलना है। जितना पतली रोटी आप बनाएंगे उतना आपका पराठा मस्त क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसको पतला पतला बेल लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक सबसे बड़ी ये है कि अंदर हमारा अंडा जो है वो कच्चा भी ना रहे और टेस्ट ऐसा लाजवाब आए कि लोग कहें वाह। तो तवा गरम करके मैंने उसको सिम पे कर दिया है, मतलब लो फ्लेम पे, और ये चीज़ बनेगी लो फ्लेम पे। अभी मैंने एक तरफ इसको रख दिया और ये थोड़ा सा सिकेगा, थोड़ा सा में बहुत थोड़ा सिकेगा, इसको पकाना नहीं है। इसका जो रोटी का लेयर है वो बिल्कुल भी कड़क नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर ये दो स्कूप्स भर के, मतलब कि दो टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया अंडे का बैटर, ऑमलेट का जो बैटर बनाया था। और इसको हम तीनों तरफ से करेंगे सील। जी हाँ, देख रहे हैं आप, एक ट्रायंगल की तरीके से हम इसको सील करेंगे, ताकि हमारा अंडा अंदर और तीनों तरफ से उसके रोटी की लेयर। और इसको करेंगे फटाफट देसी घी लगाएंगे और इसको पकने देंगे। देखो, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने रोटी को बिल्कुल भी पकने का मौका नहीं दिया। अगर ये सिक जाती ना तो आपके ये फोल्ड्स नहीं बनते थे। यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको चाहिए इस अंडे को पराठे को बनाने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको बहुत हल्के हाथ से इसको आराम से पलट देंगे, लेकिन इसको प्रेस नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रेस नहीं करना, क्योंकि अभी अंदर अंडा गीला है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो वो सारा ऊज आउट हो जाएगा, साइड्स में से सारा निकल जाएगा। अब आप इसको सिम पे बनने दीजिए लो फ्लेम पर, और तब तक आप दूसरे पराठे को बेल लीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये है, तब तक आप टाइम को यूटिलाइज कीजिए। और देसी घी में बनाएंगे तो इसका जो स्वाद है ना, वो इतना लाजवाब आएगा कि मतलब एक नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है ना, उसमें थोड़ा सा जो टेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मेरी सजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, और आप देख सकते हैं मैंने घी कितना डाला है, बहुत थोड़ा डाला है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा, अगर आपको घी ज़्यादा, कहते हैं ना वो घी या मक्खन मार के, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब जब ये दोनों तरफ से सिक गया है, अब आप देख रहे हैं, अब ये अंदर का अंडा मेरा पक चुका है। इस लेवल पे आप अपना फ्लेम को हाई कर सकते हैं और इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा करछी से दबा दबा कर इसको पका सकते हैं, ताकि इसकी जो लेयर है पराठे की वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। तो बहुत ही मस्त पराठा बनता है मेरे घर में। तो दोस्तों, ये अंडे का पराठा जो है ना, वो समझिए कि हफ्ते में दो या तीन बार तो बन ही जाता है नाश्ते में। जी हाँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और हम तो स्पेशली इसको किसी दिन ओकेजन पे बना भी देते हैं कि चलो आज अंडे के पराठे की पार्टी हो जाए। तो ये बीच से मैंने कट दिया इसको, और ये देखिए, ये मैंने आपका बिल्कुल लाइव दिया है, इसको मैंने एडिट नहीं किया पराठे बनाने की वीडियो को, ताकि आपको पता चले कि इसमें कितना समय लग रहा है। और ये अंदर से बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड
और आपका अंडे का परांठा है तैयार खाने के लिए। चलो अब इस वीकेंड पे इस अंडे के परांठे को कौन कौन बना रहा है और इसके कमेंट्स कौन कौन मेरे साथ शेयर कर रहा है। हम इसको केचप के साथ खाते हैं, आप बताइए आप इसको किसके साथ खाते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मधुस फूड फन हेल्थ पर और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, मैंने 550 से ऊपर वीडियोस आपके साथ शेयर की है, जिसमें लड्डू भी है, जिसमें ब्रेड्स कैसे बेक करनी है मैंने वो भी आपको बताया है, जिसमें कढ़ा प्रसाद आटे का हलवा कैसे बनाना है और केक कैसे बनाना है और बहुत कुछ।